हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी, जो एक केस है मोबीक्विक का। हाँ जी, मोबीक्विक के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डिमांड है, जो डिमांड डिपार्टमेंट ने रेज की थी मोबीक्विक के केस में, वो डिमांड दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी है। क्यों क्वैश की है, क्या मैटर था, किस वजह से डिस्प्यूट रेज हुआ था, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज राइट नाउ द इनकम टैक्स पोर्टल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इस इनकम टैक्स पोर्टल का इस पूरे केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो आइए देखते हैं, अगर आपके केस में भी डिमांड रेज की गई है उस दौरान, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके केस में भी डिमांड रेज की गई है उस दौरान, जिस दौरान इनकम टैक्स पोर्टल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, तो ये केस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये देखते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चंस इनकम टैक्स डिमांड ऑन मोबीक्विक एज ई फाइलिंग पोर्टल वाज डिसफंक्शनल, पोर्टल वाज नॉट वर्किंग। तो जो मोबीक्विक है, जो एसएससी है, वो प्रॉपरली इनकम टैक्स के नोटिसेस का, इनकम टैक्स का रिप्लाई, नोटिसेस का रिप्लाई प्रॉपरली समय पे फाइल नहीं कर पाया, तो इसका खामियाजा टैक्स पेयर मोबीक्विक नहीं भुगतेगा। हाँ जी, असेसमेंट जो है वो ऑर्डर जो है वो क्वेश कर दिया गया है और एओ को डायरेक्शंस दिए गए कि वो वापस से फ्रेश असेसमेंट स्टार्ट करे अकॉर्डिंगली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन करके। तो आइए देखते हैं केस की डिटेल्स। द पेटिशनर मोबीक्विक केस वॉज पिक्ड अप फॉर स्क्रूटनी। हाँ जी, मोबीक्विक का जो केस था वो सेक्शन 143(2) की स्क्रूटनी के लिए पिक किया गया। क्यों? क्योंकि मोबीक्विक ने फॉरेन से कुछ इन्वेस्टमेंट्स लिए हुए थे, मोबीक्विक में किसी फॉरेन एंटिटी ने इन्वेस्टमेंट किया गया था। मोबीक्विक एक इंडियन स्टार्टअप है जो पेमेंट सोल्यूशंस देता है, पेमेंट गेटवेज या नॉट गेटवेज बट पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है रिलेटिंग टू मोबाइल पेमेंट्स। हाँ जी, तो सेक्शन 143(2) में जो है वो स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया गया मोबीक्विक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। एज पर द रिकॉर्ड्स एज ऑन प्रीवियस ओकेजन अ शोकॉज नोटिस वॉज सर्वड ऑन द पिटीशन ऑन 11th June 2021। हाँ जी, प्लीज नोट करिए इस डेट को, दिस इज 11th June 2021। इस डेट पर जो है वो शोकॉज नोटिस इशू किया गया मोबीक्विक को। इंटरेस्टिंगली इस डेट पर पोर्टल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था और कितनी बजे इशू किया गया, साहब 6:45 बजे 5:44 PM पे नोटिस इशू किया गया और 11 जून 2021 को फ्राइडे है, लगभग जो वीकेंड का लास्ट डे है उसका भी सेकेंड हाफ उस समय पे नोटिस इशू किया गया। उसके बाद फ्राइडे ऑफ, संडे, उसके बाद सैटरडे ऑफ, उसके बाद संडे ऑफ और साहब मोबीक्विक को, एसएससी को बोला गया कि इस नोटिस का जो नोटिस इशू होता है 11 जून को फ्राइडे को शाम को, उस नोटिस का रिप्लाई आपको करना है मंडे को सुबह। कब तक? सुबह 11 बजे तक कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए कितनी शॉर्ट टाइम लिमिट जो है वो डिपार्टमेंट ने मोबीक्विक को दी है। टाइम लिमिट इज़ वेरी नैरो। ये दिल्ली हाई कोर्ट डिविजनल बेंच ने भी नोटिस किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रीजनेबल टाइम ऑफ रिप्लाई एसएससी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उसके बाद दूसरी बड़ी समस्या कि इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा था। अगर एसएससी रिप्लाई फाइल करना भी चाहता तो वो फाइल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अब सारे के सारे असेसमेंट फेसलेस हैं, अब जो है वो मैनुअल या फेस टू फेस असेसमेंट्स नहीं है। तो फेसलेस असेसमेंट के केस में इनकम टैक्स पोर्टल का एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी, तो फ्राइडे को जो नोटिस है वो सर्व किया जाता है। द सेट शोकॉज नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142(1), इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सेक्शन 142 का जो नोटिस है वो इशू किया गया। पेटिशनर से कन्फर्मेशन मांगी गई और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगे गए नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टर के। हाँ जी, और शोकॉज नोटिस इशू किया गया कि क्यों ना ये जो इन्वेस्टर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है इसको सेक्शन 68 में अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान के एडिशंस कर दिए जाएं। हाँ जी, नोटिस इशू किया गया फ्राइडे को शाम को और रिप्लाई मांगा गया मंडे को सुबह। उसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल काम नहीं कर रहा है। हाँ जी, आप फैक्ट्स देखिए कि इसके कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पेटिशनर क्लेम दैट, पेटिशनर ने कोर्ट में बोला दैट इट वॉज अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू द शोकॉज नोटिस, जो कि पेटिशनर की एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। नॉट पेटिशनर, बहुत सारे असेसीज की जिनके केसेस चल रहे हैं, डिपार्टमेंट कंटिन्यूअसली शोकॉज नोटिस, इन्फॉर्मेशन सीकिंग नोटिस, असेसमेंट नोटिस, स्क्रूटनी नोटिस जो है वो शूट अप करते जा रहा है, बट पोर्टल प्रॉपरली काम कर ही नहीं रहा है। तो एसएससी रिप्लाई करेगा कैसे समय अनुसार? हाँ जी, तो इस केस में भी पेटिशनर ने कोर्ट के सामने ये बोला कि साहब जो शोकॉज नोटिस इशू हुआ है उसका रिप्लाई हम प्रॉपरली फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पोर्टल उस समय पे काम नहीं कर पा रहा था। इट वॉज क्लेम बाय द पेटिशनर दैट इवन ऑन 15 जून व्हेन द इम्पंज असेसमेंट ऑर्डर वॉज पास। हाँ जी, देखिए इंटरेस्टिंग बात, अब 15 जून को जो है वो असेसमेंट ऑर्डर भी पास कर दिया गया। मतलब के डिपार्टमेंट ने ये नहीं देखा कि एसएससी के एंड पे पोर्टल ही नहीं चल रहा है तो रिप्लाई कैसे करेगा। और ये देखे बिना वेट करे, सी द डिपार्टमेंट इज इन दैट हरी,
डिपार्टमेंट इतनी स्पीड में काम कर रहा है कि 15 जून को ही डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ऑर्डर इस केस में इशू कर दिया। एक सेकंड अपॉर्चुनिटी या फिर एक थर्ड अपॉर्चुनिटी भी डिपार्टमेंट ने एसएससी को नहीं दी। पोर्टल काम नहीं कर रहा है, फ्राइडे को शाम को नोटिस इशू किया और मंडे को सुबह रिप्लाई मांग रहे हैं और उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर भी इशू कर दिया, रिप्लाई नहीं आया। तो नाउ लुक एट दिस दैट देयर इज नो रीजनेबल टाइम गिवन टू द एसएससी फॉर प्रॉपर रिप्लाई। तो यहाँ पे डिविजनल बेंच ने ये ऑब्जर्व किया दैट द टाइम फ्रेम सेट आउट इन द शो कॉज नोटिस जो कि 11 जून को इशू किया गया था वाज एक्सट्रीमली नैरो एंड दैट द ई फाइलिंग पोर्टल वाज डिसफंक्शनल, द ई फाइलिंग पोर्टल वाज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग। दीज आर गुड रीजंस टू सेट असाइड द इम्पोज्ड ऑर्डर। तो कोर्ट ने जो है वो असेसमेंट ऑर्डर सेट असाइड कर दिया, डिमांड क्वैश कर दी गई। हाँ जी, और ये डायरेक्शंस दिए गए दैट एओ इज एट लिबर्टी, AO is at liberty to continue the assessment proceedings from the stage. अगर assessing officer चाहता है वो, it is at the liberty of the assessing officer कि अगर वो assessment आगे करना चाहता है तो वो assessment आगे continue कर सकता है। हाँ जी, पर proper उसको show cause notice assessee को देना पड़ेगा और जो भी information department लेना चाहता है वो properly time देके assessee को department जो है उससे information obtain कर सकता है। हाँ जी, तो ये था एक इंटरेस्टिंग केस लॉ लेटेस्ट में ही दिल्ली हाई कोर्ट का मोबीक्विक के केस में। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप इस केस लॉ को रेफर करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और अपना स्टैंड जो है कोर्ट के सामने या फिर अथॉरिटी के सामने बहुत मजबूत कर सकते हैं। लेटेस्ट में ही केस लॉ आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।